अहम खबर देंगे आपको, ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट का कागजात नामजदगी कलर्म करार दिए जाने का फैसला। निगरान वजीर आजम नासिर उल मुल्क ने फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। निगरान वजीर आजम के मुताबिक फैसले के खिलाफ अपील का मकसद आइंदा इलेक्शन का अपनी मुकर्रा मुद्दत पर इनेकाद यकीनी बनाना है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम नासिर उल मुल्क ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन के कागजात फॉर्म को कर्दम करार देने के फैसले के खिलाफ फौरी अपील दायर करने का फैसला किया है और उनका यह कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर अपील दायर करने का मकसद इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद को अपनी मुकर्रा मुद्दत पर इनेकाद को यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये हिदायत की गई है हुकूमत को और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करें। इस अपील दायर करने का मकसद जो है जो बताया जा रहा है कि बरवक्त इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई हैं और जो है वो वज़ारत कानून जो है वो इस सिलसिले में काम करेगी और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी।